गया है दोपहर के फटाफट खबरों का। देश में बढ़ते कोरोना के मामले पर केंद्र सरकार हुआ सतर्क, आज स्थिति का जायजा लेने के लिए पीएम करेंगे बैठक। बीते 24 घंटे में 1,60,000 मिले नए मामले। बजट सत्र से पहले संसद भवन में भी पहुंचा कोरोना का कहर, 400 से ज्यादा कर्मचारी और सुरक्षा कर्मी हुए संक्रमित। सुल्ली डील ऐप का मास्टरमाइंड हुआ गिरफ्तार, ट्रेड महासभा नामक ट्विटर से मुस्लिम महिलाओं को कर रहा था ट्रॉल। कोरोना के बढ़ते मामलों के चलते जेपी नड्डा के बाद अब अमित शाह ने भी किया बंगाल दौरा रद्द। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल हुए कोरोना से रिकवर, कहा अभी लॉकडाउन लगाने का इरादा नहीं, मास्क लगाएं और नियम का करें पालन। बीजेपी सांसद वरुण गांधी कोरोना पॉजिटिव हुए, 3 दिन से पीलीभीत में कर रहे थे चुनाव प्रचार। राबड़ी देवी के अपमान पर भड़के सुशील मोदी, लालू यादव की पार्टी को भी विरोध करने की दी सलाह। बता दें कि एक बीजेपी नेता ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की पत्नी रश्मि ठाकरे को मराठी राबड़ी देवी कहा था। पंजाब चुनाव में फायदा के लिए कॉलेज स्टूडेंट पर डोरे डाल रही है पंजाब सरकार, ऑनलाइन क्लास के लिए खाते में डालेगी 2,000 रुपये। एक्शन मोड में दिखे हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज, पंचकुला अस्पताल में लिया कोविड तैयारियों का जायजा। पूर्वोत्तर रेलवे ने अतिक्रमण हटाने के लिए नैनीताल के डीएम को भेजा पत्र। झारखंड के मुख्यमंत्री आवास पहुंचा कोरोना संक्रमण, हेमंत सोरेन की पत्नी और दोनों पुत्र हुए पॉजिटिव, बॉडीगार्ड भी है संक्रमित। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल द्वारा प्रधानमंत्री के लिए असभ्य भाषा बोलने पर पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह ने कहा, सरपंच की मानसिकता से बाहर नहीं निकल पाए हैं भूपेश बघेल। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा, ओलावृष्टि से नुकसान का होगा सर्वे, किसानों को दी जाएगी राहत। 100% कोरोना टीकाकरण वाला प्रदेश बना जम्मू कश्मीर, 15 से 17 आयु वर्ग के लिए भी टीकाकरण का जल्द पूरा किया जाएगा लक्ष्य। ओडिशा में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव जिला परिषद अध्यक्ष पद के लिए निर्णायक आरक्षण सूची हुई घोषित, महिलाओं को मिलेगा 50% आरक्षण। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 41,434 नए मामले मिले, 9,671 लोग हुए डिस्चार्ज और 13 लोगों की गई जान। दिल्ली सरकार ने कई विभागों में निकाले हैं 187 पदों पर भर्ती, उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट dssb.gov.in पर 9 फरवरी तक करें आवेदन। सर्दी में डैंड्रफ की समस्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, ऐसे में केमिकल वाले शैम्पू से और ज़्यादा बाल रफ और ड्राई हो जाता है, तो इससे छुटकारा पाने के लिए आप एप्पल साइडर विनेगर को अपने बालों में लगाकर 15 मिनट तक छोड़ दें, उसके बाद शैम्पू से धो लें, इससे डैंड्रफ से छुटकारा मिलेगा। खिलाड़ियों द्वारा अचानक संन्यास लेने की घोषणा से सख्त हुआ श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड, जारी किया नया फरमान। बाहुबली करेक्टर कटप्पा सतराज की तबीयत बिगड़ी, कोरोना के चलते अस्पताल में हुए भर्ती। तो ये थी दोपहर की फटाफट खबरें। ऐसे ही खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को दबा दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि देश और दुनिया के तमाम खबरों से आप और आपके जानने वाले रह सकें अपडेट।